नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम क्रिक गुरु में। आज हम बात करेंगे जो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होने वाला है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में, उसके बारे में कौन वर्ल्ड कप का बादशाह होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और साथ में ही दोस्तों मैं इसमें आपके लिए ₹50 कैश बोनस का एक ईजी क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों, तो आप बिल्कुल ईजी क्वेश्चन का आंसर देकर ₹50 पेटीएम कैश बोनस जीत सकते हो। और हम डिटेल से चर्चा करेंगे टीम न्यूज़ और प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में, तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आपका एक लाइक, जैसा कि मैंने आपके लिए पहले ही बताया, बहुत मोटिव करता है और मुझे अच्छी से अच्छी, जी हां दोस्तों, अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए काफी आगे बढ़ाता है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले टीम न्यूज। टीम न्यूज के बारे में बात करें, दोनों टीमें दोस्तों 99% अनचेंज्ड जाएंगी, क्योंकि दोनों ही अपने लास्ट मैच जो नॉकआउट मैच था सेमीफाइनल जीत के आई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस करेंगी। यदि कोई चेंजेस करेंगे भी तो उसका मैं आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए देखते हैं, सबसे पहले दोस्तों मैच का होने वाला मैच लॉर्ड्स लंदन में होने वाला है, जो कि एक अच्छा स्कोरिंग विकेट है। यदि लास्ट कुछ मैचों की यहां बात की जाए, पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करें, यहां से 66 मैच कुल खेले गए हैं, इनमें से 31 मैच पहले बैटिंग करने वाली और 32 मैच सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। वहीं एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर के बारे में बात करें, 240 रन रहा है। वहीं सेकंड इनिंग से एवरेज स्कोर आप यहां से देख सकते हैं, 222 रहा है। हाईएस्ट रिकॉर्ड टोटल के बारे में बात करें, 334 रन यहां पर बने हैं दोस्तों। वहीं लोएस्ट के बारे में बात करें तो 107 रन मात्र बनाया है, जो आप दोस्तों इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में मैच खेल गया था उसमें बने थे। भैया हाईएस्ट चेस के बारे में बात करें, 326, जो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच हुआ था उसमें चेस हुए थे। लोएस्ट डिफेंड के बारे में बात करें, 204 रन यहाँ से लोएस्ट डिफेंड रहे हैं। अब दोस्तों जो इस वर्ल्ड कप में यहाँ पर मैच खेल गए उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच मैच खेल गए, जिसमें पाकिस्तान ने 300 प्लस स्कोर करके दिया था, आप यहाँ से देख सकते हो। और साउथ अफ्रीका आपके लिए यहाँ से 259 पर ऑल आउट हो गई थी। इसमें 9 विकेट पेस बॉलर ने लिए थे और 6 विकेट स्पिन बॉलर ने लिए थे, इस पर आप एक बार गौर करिएगा। वहीं बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच खेल गए, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 285 बनाए थे, वहीं इंग्लैंड 221 मात्र बना पाई थी। इसमें 14 विकेट पेसर ने लिए थे और 2 विकेट मात्र स्पिनर ने लिए थे। चलिए बात करें दोस्तों अगले मैच के बारे में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेल गए थे, इसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने 243 रन बनाए थे, वहीं न्यूजीलैंड मात्र 157 रन पर ऑल आउट हो गई थी। तो यहाँ इसमें दोस्तों 16 विकेट यहाँ से पेस बॉलर ने लिए थे और 2 विकेट मात्र स्पिन बॉलर ने लिए थे। और जो रिसेंटली मैच खेला गया दोस्तों, इसमें 315 रन पाकिस्तान ने बनाए थे, इसमें बांग्लादेश मात्र 221 ही बना पाई थी। इसमें भी 15 विकेट दोस्तों आप यहां से देख सकते हो पेस बॉलर ने और 3 विकेट स्पिनर ने लिए थे, तो आप यहां से देख सकते हो कि स्पिनर्स को मदद मिलती है। और आपने यदि एक और बात यहां से नोटिस की हो, जी हां दोस्तों एक और बात यदि आपने यहां से नोटिस की हो, तो वो बात यह है कि इसमें जो जिसने भी पहले बैटिंग की है उसने मैच विन करके दिया है, तो आप इस बात को एक बार ध्यान में रखिएगा टॉस के टाइम। और जो अपडेट होगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में बात करते हैं, टोटल 90 मैच खेले गए, इनमें से 43 यहाँ से आपके लिए न्यूजीलैंड ने बॉन करके दिए, 41 यहां से इंग्लैंड ने बॉन करके दिए। मतलब इंग्लैंड एक यहां से 2 मैच अभी भी आगे, मतलब इंग्लैंड न्यूजीलैंड यहां से कहीं ना कहीं भारी पड़ती है इंग्लैंड पे। वहीं वर्ल्ड कप में हेड टू हेड बात की जाए तो 9 मैच कुल खेले गए, लास्ट मैच हालांकि इंग्लैंड ने विन करके दिया था, इसलिए इंग्लैंड 4 हो गए, अदरवाइज 5-3 का रेशो था। अब आप यहां से देख सकते हो 5-4 का रेशो है। इस मैच को भी जीतकर यहां से वर्ल्ड कप में बराबरी करना चाहेगी भाई इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, यहां दोस्तों अपना वर्ल्ड कप मैच जीतना चाहेगी पहली बार। चलिए बात करते हैं यहां से दोस्तों प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले बात करें यहाँ से जेसन रॉय और टिम साउदी, हालांकि टिम साउदी आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, तो ज़्यादा यहाँ से चांस लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन टिम साउदी के खिलाफ भी जेसन रॉय का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। वहीं जियो रूट और ट्रेंट बोल्ट के बारे में बात करें, यहाँ से दोनों के बीच दोस्तों 100 गेंदें कुल फेंकी गई हैं दोस्तों, उसमें 121 रन इन्होंने बनाए। भाई 2 बार इन्होंने आउट किया दोस्तों, 12 चौका और 2 छक्के भी इन्होंने लगाए। जॉनी ब्रेस्ट और ट्रेंट बोल्ट 115 गेंदों में 119 रन और 4 बार आउट किया, मतलब स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं दोस्तों। तो यहाँ से शुरुआत में आपके लिए यदि जॉनी ब्रेस्टो को आउट कर लिया, जो इंग्लैंड की मेन धुरी है दोस्तों, इनके जो ओपनर है, जी हाँ दोस्तों, इनके ओपनर के इर्द गिर्द ही पूरी टीम घूम रही है। यदि ओपनर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो एक हाईएस्ट स्कोर बनाने में कामयाब रहते हैं। भाई जॉनी ब्रेस्टो, टिम साउदी का फिर खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, वो गलती इस टाइप हो गया था दोस्तों। 99 बॉल में 118 रन बनाए 5 बार, मतलब टिम साउदी स्विंग बॉलर है, यहाँ से आप इस पर एक आइडिया देख लीजिए। ट्रेंट बोल्ट भी दोस्तों स्विंग बॉलर है और टिम साउदी भी, तो यहाँ से 5-4 मतलब 9 बार लगभग स्विंग बॉलर पर आउट हुए। और जैसा कि आपको हमेशा से पता कि स्पिनर के खिलाफ ये दोस्तों स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, तो यहां से आपके कल के मैच में भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ सकते हैं, स्पेशली किसके खिलाफ दोस्तों, वो मिचेल सेडनर के खिलाफ। भाई मार्टिन गप्टर और दोस्तों लियम प्लंकेट के बारे में बात करें, 136 गेंदों में 130 रन, 4 बार इन्होंने इन्हें आउट किया।
किया है। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ से केन विलियमसन और आदिल रशीद 120 गेंदों में 92 रन थोड़े फंसते हुए नजर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि लेग स्पिनर के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं दोस्तों, हालांकि प्लेयर बहुत अच्छे हैं केन विलियमसन, लेकिन फिर भी लेग स्पिनर के खिलाफ थोड़ी स्ट्रगल करते हैं दोस्तों, और दो आउट भी इन्होंने किया। लैथम ने दोस्तों लास्ट मैच में इनके दोनों के बीच हुआ था उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 57 रन का इन्होंने इनिंग्स खेली थी। मात्र टेम लैथम ही दोस्तों स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे, जो कि अभी मैंने आपके लिए रिकॉर्ड में बताया था। यहाँ से 77 बॉल में यहाँ से 60 रन बनाए, 3 बार इन्होंने दोस्तों इन्हें आउट भी किया। वहीं बात करें दोस्तों केन विलियमसन मार्क बोर्ड के बीच में 58 गेंदों में दोस्तों इन्होंने मात्र 35 बनाए। ये भी दोस्तों थोड़ी एक्यूरेट गेंदबाजी करते हैं मार्क बोर्ड, अपनी गेंदबाजी को लेकर काफ़ी एक्यूरेट हैं, और 2 बार इन्होंने इन्हें आउट भी किया। केन विलियमसन और क्रिस बॉक्स के बारे में बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हो 80 गेंदों में 50 रन और 1 बार इन्होंने आउट भी किया। तो आप इन आंकड़ों को कुछ ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब हम दोस्तों प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड के बारे में बात करें, जैसा कि इंग्लैंड के बारे में हमने आपके लिए बताया कि जिनके जो ओपनर हैं दोस्तों जॉनी ब्रेस्टो और जेसन रॉय, इनके आसपास पूरी टीम घूमती है, क्योंकि यदि ये अच्छी शुरुआत देते हैं तो एक हाई स्कोर आपके लिए देखने को मिल जाता है। लास्ट मैच की बात करें दोस्तों इतना ज़्यादा इन्हें टारगेट नहीं मिला था चेस करने के लिए, इसलिए यहाँ से दोस्तों पूरे बल्लेबाजों की बल्लेबाजी नहीं आती, यहाँ से इयन मॉर्गन तक सिर्फ बल्लेबाजी आई थी। आप यहाँ से देखते हो 34 रन बनाए जॉनी ब्रेस्टो ने उससे पहले 106 111, तो ये काफ़ी अच्छे फॉर्म में अभी दिख रहे हैं। भाई जेसन रॉय दोस्तों जब से वापसी की है इंडिया के खिलाफ आप देख सकते हो 66 बनाए, तो उसके बाद 60 85, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। लास्ट मैच में उन्होंने 85 रन की शानदार इनिंग्स खेल के आपके लिए दी थी। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ से जियो रूट के बारे में, तो ये दोस्तों ये कि सबसे कंसिस्टेंस बल्लेबाज में इनकी टीम में मानता हूँ, तो आप यहाँ से देख भी सकते हो 49 24 44 8 57 88 100 107, मतलब काफ़ी कंसिस्टेंस बल्लेबाज हैं। भाई इयन मॉर्गन के बारे में बात करें दोस्तों, इनकी टीम के कैप्टन भी हैं और दोस्तों अच्छे बल्लेबाज हैं। यदि एक मैच निकाल दिया जाए तो इतना बड़ा परफॉर्मेंस अभी तक इन्होंने नहीं किया, हालांकि ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया पिछले 2 मैचों से बात की जाए, 45 नॉट आउट बनाए उससे पहले 42 बनाए, जो एक ही मैच बनाया तो उसमें 148 बनाए थे, वो रिकॉर्ड मैच था इनका। जो बटलर की लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं आई, बल्लेबाजी नहीं आई थी, इन्होंने भी दोस्तों सिर्फ 1-2 ही मैच में स्कोर कर पाया, बाकी आप यहाँ से देखते हो स्टार्ट जरूर मिला है, हालांकि इनकी बल्लेबाजी के आने की चांसेस भी कम रहे थे। बेन स्टॉक्स ने शानदार बल्लेबाजी की है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हो 3 लगातार इन्होंने बैक टू बैक 50 लगाए, उसके अलावा इन्होंने विकेट भी यहाँ से निकाल के दिए थे। क्रिस बॉक्स आप यहाँ से देख सकते हो लास्ट मैच 3 विकेट निकाले, उससे पहले भी दोस्तों इन्होंने शानदार गेंदबाजी करके अपनी टीम के लिए दी, इंडिया के खिलाफ भी इन्होंने शानदार गेंदबाजी करके दी थी। लियाम प्लंकेट को लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। आदिल रशीद का भी आप यहाँ से देख सकते हो, आदिल रशीद आपके लिए की प्लेयर साबित हो सकता है, क्योंकि ये दोस्तों न्यूजीलैंड के बल्लेबाज इतनी ज़्यादा स्पिनर्स को समझते नहीं। जोर फारचा तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो, कुछ समय तक तो इन्होंने 3 का पहाड़ा पड़ा था लगातार, लास्ट मैच में भी अच्छे 2 विकेट निकाले दोस्तों, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। भाई मार्क बोर्ड काफी एक्यूरेट है, लेकिन दोस्तों आप यहां से इंग्लैंड की टीम एक खराबी क्या है कि इनके लिए डेथ ओवर है दोस्तों, डेथ ओवर में यदि एक बॉलर निकाल दिया जाए यहां से जोर फारचा, तो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नहीं है इनकी टीम में कोई। चलिए बात करें दोस्तों यहां से न्यूजीलैंड के बारे में, न्यूजीलैंड के बारे में बात करें मार्टिन गप्टिल और दोस्तों कॉलिन मुनरो या मैट हेनरी, हालांकि ज्यादातर मैट हेनरी निकोलस को ही मौका मिलेगा, लेकिन स्ट्रगल करते हुए नजर आए मैट हेनरी, मुझे इसलिए याद रहेगा कि इंडिया क्लब विलन बन के यही उभरे थे दोस्तों। तो यहाँ से इनके ओपनर बिल्कुल फैल रहे हैं। वहीं फर्स्ट डाउन की बात की जाए, केन विलियमसन और दोस्तों रॉस टेलर, इन दोनों ने थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया। लास्ट मैच में भी दोस्तों 67 बनाए थे, इन्होंने 74 बनाए थे, तो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों दोनों, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, हालांकि इनके जो ओपनर है वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें दोस्तों टेम लैथम ने दोस्तों कुछ मैचों में स्कोर करके दिया है, लेकिन इतना बड़ा स्कोर भी इन्होंने करके नहीं दिया। भाई जिमी नीसम के बारे में बात की जाए दोस्तों, इन्होंने कुछ इंपैक्ट इनिंग्स खेल के दिए, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, काफ़ी शानदार बल्लेबाज। कॉलिन डिग्रैंड दोस्तों अच्छी फिनिश इन्होंने अपनी टीम के लिए दी है, उसके अलावा 1-2 विकेट हर एक मैच में निकाल के अपनी टीम के लिए दे रहे हैं। सैटना ने दोस्तों लास्ट में जो काफी शानदार गेंदबाज की 2 विकेट चटका है, वो भी काफी इंपोर्टेंट विकेट दोस्तों, आपने देखा हो ऋषभ पंत को और हार्दिक पांड्या को इन्होंने आउट किया था। लॉकी फर्गुसन को भी लास्ट मैच में 1 विकेट मिला था। ट्रेंट बोल्ट ने भी 2 विकेट चटकाया था। मैट हेनरी ने दोस्तों कमाल कर दिया था, जो हमारा टॉप ऑर्डर था ट्रेंट बोल्ट ने और दोस्तों मैट हेनरी ने दोनों ने ध्वस्त करके रख दिया था। चलिए तैयार कर लेते हमारी क्रिकेट वर्ल्ड की टीम, तो आप इसमें देख सकते हो दोस्तों इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां जाकर डाउनलोड कर लेना है, काफी शानदार है दोस्तों आपके लिए। बिल्कुल कम कंपटीशन है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल कम कंपटीशन है, उसके अलावा आपके लिए यहां से काफी कम लोगों को पीछे करके आप यहां से देख सकते हो 7,500 जीत सकते हो। आप मात्र कितने लोगों को पीछे करके आप यहां से देख सकते हो 779, तो आपके लिए काफी शानदार ऐप हो जाता है, आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा। और आपकी खास बात, इसमें सिर्फ आपके लिए 8 प्लेयर खिलाना है, ना कि 11 प्लेयर खिलाना है, 8 प्लेयर खिलाना है, वो भी आपके लिए ऑप्शनल रहते हैं। और कैरेट के आपके लिए कोई इशू आने वाली है नहीं इस मैच में, क्योंकि
इसमें क्रिकेट वाले में कभी कैटेगरी कोई इशू आती नहीं। चलिए बात करते हैं यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन की। बंडेल आपके लिए खेलते नजर नहीं आएंगे, अब ये दोनों ऑप्शन बचते हैं। तो यहाँ से इनकी जॉस बॉल्डर की शायद बल्लेबाजी ना, क्योंकि पिछले कुछ मैचों से आपने नोटिस किया हो कि इनकी बल्लेबाजी नहीं आ रही। तो यहाँ से मैं टैम लेथम को टीम में ट्राई कर रहा हूँ, आप चाहो तो जॉस बॉल्डर के साथ भी जा सकते हो। अब केन विलियमसन और जेसन रॉय दोनों ही शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, आप किसी को भी टीम में ट्राई कर सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ जेसन रॉय को टीम में ट्राई करूँगा, आप चाहो तो केन विलियमसन को टीम में ट्राई कर सकते हो। हालांकि जेसन रॉय की अपेक्षा केन विलियमसन काफ़ी भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, लेकिन मैं यहाँ जेसन रॉय को ही टीम में ट्राई कर रहा हूँ। अब आप यहाँ जियो रूट, रॉस टेलर, जॉनी ब्रस्टो और एन मॉर्गन चारों शानदार ऑप्शन हो जाते हैं। मैं यहाँ जियो रूट को टीम में ट्राई करूँगा, आप चाहो तो इनमें से किसी को भी टीम में ट्राई कर सकते हो। मैं आपके लिए पहले ही बता चुका हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ से गाइड करता हूँ, फाइनल डिसीजन आपका रहता है किसे लेना किसे नहीं लेना। अब बात करें दोस्तों यहाँ से थर्ड बल्लेबाज ऑप्शन की, तो आप यहाँ मार्टिन गप्टिल, कॉलिन मुनरो तो आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, हैनी निकोलस खेलते हुए नजर आ जाएंगे, ये दोनों आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ से मैं मार्टिन गप्टिल को ही टीम में ट्राई करूँगा, आप चाहो तो हैनी निकोलस को ही टीम में ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट ऑलराउंडर के बारे में बात करें, बेन स्टॉक, जिमी निसम दोनों ही शानदार ऑलराउंडर हैं। उसके अलावा क्रिस बुक्स भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं, हालांकि क्रिस बुक्स को आप एज ए ऑलराउंडर मत गिनिएगा। तो मैं यहाँ से बेन स्टॉक्स को टीम में ट्राई कर रहा हूँ, आप चाहो तो जिमी निसम के साथ भी जा सकते हो। सेकंड ऑलराउंडर के बारे में बात करें, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, मोइन अली आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, मिचेल सैडनर खेलते हुए नजर आ जाएंगे, और ये भी आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं, ये दोनों आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, ये दोनों आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं। तो यहाँ से कॉलिन डी ग्रैंडहोम या मिचेल सैडनर को दोनों में से किसी को टीम में ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ से कॉलिन डी ग्रैंडहोम को टीम में ट्राई कर रहा हूँ, आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो। यहाँ दोस्तों आपके लिए चारों ही बेस्ट ऑप्शन है, अब चारों में से दोस्तों चूज करना काफ़ी खतरनाक है, किसे लेना है किसे नहीं लेना। फिर मैं यहाँ जोर पर आर्चर के साथ जा रहा हूँ, आप चाहो तो ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गुसन या मैट हेनरी के साथ भी जा सकते हो। सेकंड बॉलर के दोस्तों आदल रशीद, मार्क वुड, लियाम प्लंकेट, इस जोड़ी तो आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, तो आप किसी को भी टीम में ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ से आदल रशीद को टीम में ट्राई कर रहा हूँ, आप चाहो अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की यहाँ चॉइस देख लेते हैं, यहाँ जियो रूट, जेसन रॉय, जियो रूट आपके लिए दोनों ही शानदार ऑप्शन हो जाते हैं। उसके अलावा बेन स्टॉक्स भी अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं। यहाँ से जियो रूट को मैं कैप्टन और यहाँ से जेसन रॉय को वाइस कैप्टन बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जियो रूट आपके लिए एक दो गेंदबाजी फेंक के एक दो ओवर गेंदबाजी करके भी दे सकते हैं। चलिए बात करें दोस्तों यहाँ से कॉन्टेस्ट की, कॉन्टेस्ट के बारे में आपके लिए पहले ही बता चुका हूँ, हेड टू हेड भी आपके लिए इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है, स्मॉल लीग में भी काफ़ी, तो आप एक बार जैसे इसे ट्राई करिएगा। आज के क्वेश्चन के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में ऐप चल रहा है बल्लेबाजी दिया दोस्तों, बल्लेबाजी आपके लिए ₹50 बिल्कुल फ्री में दे रहा है। जैसे आप डाउनलोड करके दोस्तों आप यहां से Raaz123, जी हां तो Raaz123 को डालोगे, आपके लिए ₹50 कैश बोनस आ जाएगा। तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, काफ़ी शानदार ऐप है और इसमें आपके लिए ऐड करने पर भी काफ़ी शानदार ऑफर अवेलेबल हैं। आप यहाँ से 100% कैश बोनस पा सकते हो अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर, आपके तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल, आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा। इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। आज के क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, उससे पहले आज का क्वेश्चन मैं आपके लिए सिंपल दे देता हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि आज के मैच में जो दोस्तों मैच होने वाला है फाइनल मैच, उसमें आपके लिए मैन ऑफ द मैच कौन रहने वाला है। तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर देकर ₹50 पेटीएम कैश बोनस जीत सकते हो। आपके लिए मैं पेटीएम कैश बोनस दे दूंगा दोस्तों, आप चाहो तो मेरे ईमेल आईडी पर अपना नंबर मेल कर सकते हो, जो भी विनर होगा दोस्तों अगली वीडियो में उसका घोषणा कर दूंगा। और दोस्तों इस पर खेलने का फायदा, आप बिल्कुल कम इन्वेस्ट कमेंट करना चाहते हो, ₹2, ₹5 की आपके लिए काफ़ी सारी लीग्स अवेलेबल हैं, तो आप एक बार जरूर इसे ट्रीटमेंट इसे ट्राई करिएगा। और दोस्तों आपके लिए इसमें क्लासिक रहता है, इसमें आपके लिए 11 प्लेयर खिलाना होता है, बैटिंग में आपके लिए मात्र 5 प्लेयर खिलाना होता है और बॉलिंग में भी आपके लिए 5 प्लेयर खिलाना होता है। तो आपके लिए काफी सारे लीग्स अवेलेबल हैं, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इसकी टीम का डायरेक्ट हम फाइनल प्रीव्यू, आप इसकी टीम का फाइनल प्रीव्यू देख सकते हो। हैनी निकोलस हैं दोस्तों, जॉनी ब्रेस्टो, जेसन रॉय, जियो रूट हैं, केन विलियमसन है, टॉम लेथम है दोस्तों, यहाँ से वेन स्टॉक्स, जिमी नीसम, ट्रेंट बोल्ट और दोस्तों लियाम प्लंकेट और क्रिस बुक्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। अब कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें तो जियो रूट हैं आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, जेसन रॉय अच्छा ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन भी यहाँ से चूज कर सकते हो। कॉन्टेस्ट के बारे में आपके लिए बता भी चुका हूँ, कम से कम आप ₹2 यहाँ से लगा सकते हो, अधिक से अधिक आप कितना भी लगा सकते हो, 1000-2000 भी लगा सकते हो दोस्तों, तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जैसे ही Raaz123 कोड डालोगे दोस्तों डाउनलोड करके, तो आपके लिए ₹50 कैश बोनस बिल्कुल फ्री में आ जाएगा। चलिए तैयार कर लेते हैं हमारी ड्रीम इलेवन की टीम, लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि अभी तक वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जैसे कि आपको पता है कि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिव करता है और दोस्तों बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन, जोस बटलर आपके लिए अच्छा ऑप्शन है और टैम लॉथम अच्छा ऑप्शन, बंडल आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, आप चाहो दोनों में से किसी को टीम में ट्राई कर सकते हो। लेथम जो कि आपके लिए नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने वाले हैं, वहीं जोस बटलर भी आपके लिए 5 से 6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन यदि लास्ट के कुछ मैचों में देखा हो आप
अपने कि जॉस बटलर की बैटिंग नहीं आ रही, इस वजह से मैंने टीम में ट्राई नहीं कर रहा, मैं यहाँ टीम लैथम को टीम में ट्राई कर रहा हूँ। आप चाहो तो ग्रैंड लीग की एक से अधिक टीम बना रहा जॉस बटलर को ट्राई करके कैप्टन वाइस कैप्टन भी अपनी टीम में चूज कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से बल्लेबाजी डिपार्टमेंट, बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की बात करें तो आपके लिए जियो रूट शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, केन विलियमसन अच्छा ऑप्शन है, जॉनी ब्रस्टो और जेसन रॉस जो दोस्तों टॉप फोर हैं शानदार ऑप्शन। उसके अलावा जो सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं दोस्तों रॉस टेलर, ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं। लास्ट मैच में उन्होंने 74 रन की मैच विनिंग इनिंग कहूंगा दोस्तों, काफी रुक के इनिंग्स खेली, इनके स्वभाव के विपरीत इनिंग्स खेली, लेकिन काफी शानदार इनिंग्स इन्होंने खेल के दी। वहीं इयान मॉर्गन आपके लिए शानदार ऑप्शन नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे दोस्तों। और बात करें मार्टिन गप्टिल आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, हालांकि पूरे टूर्नामेंट में आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, तो आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते। जेम्स सिमंस आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, कॉलिन मनरो भी आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, वहीं हेनरी निकोलस आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आपके लिए हमेशा से पता है कि ड्रीम इलेवन में आपके लिए कैडेट की इशू आने वाली है, तो मैं आज दोस्तों टॉप 4 तो टीम में ट्राई कम से कम करूंगा। यदि आप जॉनी ब्रस्टो की जगह दोस्तों यहां से रॉस टेलर को टीम में ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, जैसे रॉय की जगह आप इयान मॉर्गन को टीम में ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, जो कि मैं आप यहां से 2 से 3 कॉम्बिनेशन उपलब्ध कराऊंगा, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगी। अब बात करें दोस्तों यहां से मैं एक बल्लेबाज और पिक करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने दोस्तों ग्राउंड स्टेटस देखा कि बल्लेबाजी फ्रेंडली विकेट है, तो यहां से दोस्तों मैं लगभग 5 बल्लेबाज के साथ जाना पसंद करूंगा, तो यहाँ इस वजह से मैं हेनरी निकोलस को टीम में ट्राई कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं यहाँ से दोस्तों ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की, ऑलराउंड डिपार्टमेंट में दोस्तों आपके लिए 4 ऑप्शन है यहाँ से, बेन स्टॉक्स, जिमी नीसम, कॉलिन डी ग्रैंडहोम और मिचेल शॉर्टनर, दोस्तों ये चारों ही आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे। आप चाहो जिनमें इसमें किसी को भी टीम में ट्राई कर सकते हो, लेकिन जो टॉप 2 ऑलराउंडर हैं दोस्तों उनके बारे में आपके लिए बात करूँ यहाँ से, आपके लिए वो हो जाते हैं यहाँ से टॉप 2 ऑलराउंडर आपके लिए, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, वो है आपके लिए बेन स्टॉक्स और जिमी नीसम। आप चाहो इनके साथ जा सकते हो या दोस्तों आप यहाँ से कॉलिन डी ग्रैंडहोम या मिचेल शॉर्टनर को भी टीम में ट्राई कर सकते हो। जैसा कि आपने लास्ट मैच में देखा हो मिचेल शॉर्टनर ने काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी की थी दोस्तों, तो आप यहाँ से मैं जो टॉप 2 ऑलराउंडर है इनको टीम में ट्राई कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ से हेनरी निकोलस की जगह मिचेल शॉर्टनर को टीम में ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसे लेना चाहते हो किसे नहीं लेना चाहते। मैं यहाँ से हेनरी निकोलस को ही टीम में ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे अंदर से आवाज़ आ रही कल के मैच में शायद परफॉर्मेंस करके दे सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से दोस्तों बॉलिंग डिपार्टमेंट की, बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों आपके लिए जोर पार्चर शानदार ऑप्शन हो जाता है, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते। ट्रेंट बोल्ट, लोकी फर्गुसन, क्रिस बुक्स टॉप 4 बॉलर हैं दोस्तों, काफी शानदार बॉलर हैं, चारों ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं। मैं एवरेज परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो मार्क वुड आपके लिए एवरेज परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, मैट हेनरी ने दोस्तों लास्ट मैच में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की थी, जो इंडिया का टॉप ऑर्डर था दोस्तों बिल्कुल ध्वस्त करके रख दिया था। यहां से बात करें आदिल रशीद ने लास्ट मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, मैं लियांग पिलिंगट को लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिला था दोस्तों। चलिए हम देख लेते हैं किस किस को टीम में ट्राई करूंगा, मैं यहां से ट्रेंट बोल्ट को, क्रिस बुक्स को और दोस्तों यहां से आदिल रशीद को टीम में ट्राई करूंगा, क्योंकि कैडेट इशू है दोस्तों। यदि आप यहां से कैडेट इनको मिस करके कैडेट चाहते हो दोस्तों मेंटेन करना और एक बॉलर एक्स्ट्रा जोर आर्चर को टीम में ट्राई करना चाहते हो, जिमी नीसम या दोस्तों यहां से आपके बेन स्टॉक्स गए तो बिल्कुल कर सकते हो, वो अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस कर सकते हो। मेरा मेन उद्देश्य रहता है दोस्तों आपके लिए गाइड करना। चलिए देख लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शंस, कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शंस के बारे में बात करें तो दोस्तों यहां से मैं टॉप 3 ऑप्शंस आपके लिए यहां से अवेलेबल करा देता हूं। टॉप 3 ऑप्शन मेरे हिसाब से ये तीनों ही हैं, क्योंकि मैं यहाँ से जॉनी ब्रस्टो को मैंने क्यों नहीं रखा, क्योंकि काफ़ी अटैकिंग बल्लेबाज हैं दोस्तों। आप चाहो तो इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग के लिए मेरे हिसाब से इनसे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। भैया हम ग्रैंड लीग के बारे में बात करते हैं तो जॉनी ब्रस्टो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं, बेन स्टॉक्स अच्छा है ऑप्शन है दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए, तो एक कुछ आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए ऑप्शन हो जाते हैं और एक कुछ स्मॉल लीग के ऑप्शन हो जाते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ से स्मॉल लीग की 1, 2, 3 तीन ऑप्शन है दोस्तों, ग्रैंड लीग के 1, 2 ऑप्शन है, तो आप इनको टीम में ट्राई करके अपना अच्छी टीम और अच्छी विनिंग कर सकते हो दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।